सन 1950 में आज ही के दिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री बने। मुखर्जी एक महान शिक्षाविद और चिंतक होने के साथ साथ भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे। डॉक्टर मुखर्जी को 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय में विश्व के सबसे कम उम्र के कुलपति बनाए जाने का गौरव प्राप्त हुआ था। आज एक दिन सन 1972 में ब्रिटिश सेना को अनागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं के एक जुलूस पर गोली चलाने के मामले में क्लीन चिट मिली थी। चीफ जस्टिस लॉर्ड विजरी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सेना ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाई थी, जो कि जायज है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 10,000 की भीड़ सेना के जरिए खड़े किए गए अवरोध को तोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी। उनमें से कुछ के पास हथियार भी थे और उन्होंने पहले सेना पर फायरिंग की। सेना ने इसके जवाब में आत्मरक्षा में गोलियां चलाई, जिसमें 14 लोग मारे गए। और आज एक दिन सन 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च कर अंतरिक्ष युग में दाखिल हुआ। यह भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह था। 360 किलोग्राम वजनी आर्यभट्ट को सोवियत संघ के इंटर व कॉस्मोस रॉकेट की मदद से अंतरिक्ष में भेजा गया था। भारत का पहला उपग्रह देश के मशहूर खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। आर्यभट्ट उन पहले व्यक्तियों में से एक थे जिन्होंने बीजगणित का प्रयोग किया था। इसके अलावा उन्होंने पाई का सही मान 3.1416 निकाला था। सन 1995 में अमेरिका के ओक्लाहोमा शहर में एक सरकारी बिल्डिंग में हुए बम धमाके में 19 बच्चों समेत कुल 168 लोग मारे गए थे और 500 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। इस मामले में 3 लोगों को दोषी पाया गया था, जिसमें एक को मौत की सजा दी गई, जबकि दूसरे को उम्र कैद और तीसरे को 12 साल की सजा दी गई। और सन 2005 में आज ही के दिन कार्डिनल जोसेफ रैत्सिंगर पोप चुने गए थे। ज्यादातर लोगों ने रैत्सिंगर के पोप चुने जाने पर खुशी जताई थी, लेकिन कैथोलिक चर्च के कुछ उदारवादियों और आलोचकों ने आशंका जताई थी कि नया पोप के परंपरावादी विचारों की वजह से ध्रुवीकरण हो सकता है।